स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो, बी नाट्य नाटक सम्मान, सी अकादमी कुरान, डी संगीत नाटक रत्न। आंसर ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो। एक्सप्लेनेशन: संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है, जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दी जा सकती है। अगला प्रश्न: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? ए LVM3, बी गगनयान, सी आदित्य 1, डी चंद्रयान। आंसर बी गगनयान। एक्सप्लेनेशन: भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ खगोलीय वाहन है। गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। अगला प्रश्न: किंग चार्ल्स 3 के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सुनील भारती मित्तल, डी सचिन तेंदुलकर। आंसर सी सुनील भारती मित्तल। एक्सप्लेनेशन: भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न: दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर डी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। ये घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न: चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ए गृह मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी शिक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। आंसर बी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: 2018 से 2022 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए के साथ सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई। अगला प्रश्न: हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ए पेरू, बी अर्जेंटीना, सी केन्या, डी चिली। आंसर डी चिली। एक्सप्लेनेशन: दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसकी राजधानी लिमा है। अगला प्रश्न: लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले किसे अपना उप कप्तान बनाया है? ए आवेश खान, बी कृणाल पंड्या, सी निकोलस पुरन, डी रवि बिश्नोई। आंसर सी निकोलस पुरन। एक्सप्लेनेशन: लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले निकोलस पुरन को अपना उपकप्तान बनाया है। इससे पहले कृणाल पंड्या टीम के उपकप्तान थे। टीम के कप्तान KL राहुल ने एक इवेंट में पुरन को 29 नंबर वाली उपकप्तान की जर्सी सौंपी। त्रिनिदाद के क्रिकेटर पुरन विश्व स्तर पर T20 फॉर्मेट के एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगला प्रश्न: T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ए जान निकोल लॉफ्टी ईटन, बी डेविड मिलर, सी रोहित शर्मा, डी कुशल मल्ला। आंसर ए जान निकोल लॉफ्टी ईटन।
एक्सप्लेनेशन, नामीबियाई क्रिकेटर जान निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न, सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आंसर, सी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, नेपाल में 1 से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत के मुख्य कोच बीबी थॉमस मुताह ने 23 टीम सदस्यीय का ऐलान कर दिया है। भारत ने 2018 और 2019 में अंडर 15 प्रारूप में जीत दर्ज की थी। दोनों बार भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पहली बार टूर्नामेंट अंडर 16 प्रारूप में खेला जा रहा है। NUCFDC का क्या मतलब है? ए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, बी सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, ए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। एक्सप्लेनेशन, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की शुरुआत की। NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। NUCFDC का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बी ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, सी औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना, डी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। आंसर, डी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। अगला प्रश्न, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी हरियाणा। आंसर, सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा गुजरात में की जाएगी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए 100 करोड़, बी 150 करोड़, सी 250 करोड़, डी 350 करोड़। आंसर, बी 150 करोड़। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, लोगों विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रेकी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ए हाइड्रोजन लोकेटर, बी पिंक टॉयलेट लोकेटर, सी हापिक लोकेटर, डी हाइजीन प्लस फाइंडर। आंसर, सी हापिक लोकेटर। एक्सप्लेनेशन, शौचालय की स्वच्छता से जुड़े उत्पाद बनाने वाले भारत के अग्रणी ब्रांड रेकिक ने सभी लोगों और सबसे खासतौर पर महिलाओं तक सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक इनोवेटिव ऐप आधारित समाधान हापिक लोकेटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐप यूजर्स को पानी, साबुन, टिश्यू पेपर, सफाई और प्रकाश जैसी सुविधाओं के आधार पर शौचालयों को रेटिंग देने में भी मदद करता है। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? ए एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, बी एक फूड कार्निवल, सी एक शानदार फूल उत्सव, डी एक संगीत समारोह। आंसर, सी एक शानदार फूल उत्सव। एक्सप्लेनेशन, उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनता के लिए खुला है। अब पर्यटक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे, अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? ए लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, बी अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सी वन्य जीवन की सुंदरता का जश्न मनाना, डी जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज। आंसर, ए लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। एक्सप्लेनेशन,
3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का विषय लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। अगला प्रश्न, डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना। बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। सी, राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना। डी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। आंसर, बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। डेफ कनेक्ट का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक परिवर्तनकारी मंच तैयार करना है, और यह रक्षा क्षेत्र में देश के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवप्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ए, यूनाइटेड किंगडम। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, कनाडा। डी, फ्रांस। आंसर, डी, फ्रांस। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। बी, उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना। सी, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। डी, जैविक खेती को बढ़ावा देना। आंसर, ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन, ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनके उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। बी, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। सही। सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। डी, भुगतान एग्रीगेटर्स PA। आंसर, ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। ये व्यापारियों के लिए पैसों के तुरंत निपटान की सुविधा देगा। अगला प्रश्न, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? ए, एस्प्लेनेड। बी, हावड़ा मैदान। सी, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। डी, साल्ट लेक सेक्टर V। आंसर, सी, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। एक्सप्लेनेशन, कोलकाता में 6 मार्च को भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। मेट्रो रेलवे कोलकाता के रेक नंबर MR 612 ने एस्प्लेनेड से हुगली नदी के नीचे हावड़ा मैदान तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। हुगली नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जलस्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए, आसिफ अली जादारी। बी, शहबाज शरीफ। सी, इमरान खान। डी, नवाज शरीफ। आंसर, बी, शहबाज शरीफ। एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शाहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2022 के बाद श्री शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रविवार को नेशनल असेंबली में 201 वोट हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को हराया, जिन्हें PTI का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए, देहरादून। बी, ऋषिकेश। सी, श्रीनगर। डी, शिमला। आंसर, डी, शिमला। एक्सप्लेनेशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर सुन्नी के निकट सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ए, झारखंड। बी, तमिलनाडु। सी, मेघालय। डी, बिहार। आंसर, ए, झारखंड। एक्सप्लेनेशन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ए. वैष्णव पिचाई, बी. यतिन भास्कर दुग्गल, सी. ओम बिरला, डी. कनिष्क शर्मा। आंसर, बी. यतिन भास्कर दुग्गल। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ए. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। बी. केवल संगीत, सी. साहित्य, डी. केवल नृत्य। आंसर, ए. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. रविंद्र जडेजा, बी. विराट कोहली, सी. रोहित शर्मा, डी. रविचंद्रन अश्विन। आंसर, डी. रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के दौरान हासिल की। साल 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले अश्विन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन के अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो भी इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? ए. कवारत्ती, बी. चेतलाट द्वीप, सी. मिनिकॉय द्वीप, डी. अगत्ती द्वीप। आंसर, सी. मिनिकॉय द्वीप। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में INS द्वीपरक्षक की स्थापना की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? ए. भूटान, बी. मिस्र, सी. पाकिस्तान, डी. इराक। आंसर, बी. मिस्र। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा मिस्र पाउंड है।